मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज सुबह हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चैप्टर 5 को कंप्लीट किया था और आज ही हम चैप्टर 6 को भी स्टार्ट ले रहे हैं, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, तो इसमें आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो इस टेबल को आप याद कर लो या इस टेबल को बनाना सीख लो। ये ज्यादा होता है कि हम इस टेबल को बनाना सीख लें, ठीक है। तो हम इस टेबल को बनाने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखें। बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स हैं इसके। टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ये बहुत जरूरी टॉपिक है, ये आपको याद होना चाहिए या इसे आपको बनाना आना चाहिए। अगर आप उसको बनाना सीख लोगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और बहुत ही इजी स्टेप्स में मैं आपको इसे बनाना सिखा रहा हूं। पहले हम लोग ये टेबल ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले लिखा हमने यहाँ पे साइन थीटा, फिर यहाँ पे ले लिया हमने कॉस थीटा, फिर ये आ गया हमारा टेन थीटा, टेन के बाद ले लिया हमने कोसेक थीटा, फिर हमने ले लिया इसमें सेक थीटा, और फिर ले लिया इसमें हमने कॉट थीटा, ठीक। यहाँ पे ये पांच ब्लॉक बना देंगे हम लोग, एक दो, ये आपका तीन, और एक ये हो गया आपका चार। सबसे पहला ब्लॉक होता है आपका 0 डिग्री, इसके बाद से लेंगे हम लोग यहाँ पे 30 डिग्री, फिर आ जाएगा आपका 45 डिग्री, इसके बाद से यहाँ आएगा आपका 60 डिग्री, और फिर एक नया ब्लॉक ले लेंगे हम लोग 90 डिग्री का, ठीक है। अब इसमें साइन में आपको पहली जो इसकी लाइन है, इसे आपको किसी भी कंडीशन में याद रखना होगा, ठीक है। केवल मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप इसकी पहली लाइन को याद रखो। जब हम इसकी पहली लाइन को याद रखेंगे तो पहली लाइन में सबसे पहले आता है आपका 0, फिर आएगा आपका 1/2, फिर यहाँ पे होता है आपका 1/√2, फिर यहाँ पे आएगा आपका √3/2, और यहाँ पे आपका 1। केवल आपको इसकी पहली लाइन याद रखनी है। पहली लाइन में सबसे पहली वैल्यू है इसकी 0, फिर है आपका 1/2, फिर आपका 1/√2, फिर आपका √3/2, और फिर आपका ये 1। जब ये टेबल आपको याद हो गई, पहली लाइन याद कर ली आप लोगों ने, तो इसकी सेकंड लाइन, इसकी सेकंड लाइन और भी आसान है। कुछ भी नहीं करना आपको, केवल साइन थीटा को रिवर्स कर देना है। केवल साइन थीटा को रिवर्स कर दो। रिवर्स मींस कैसे, जैसे यहाँ पे ये 1 है ना, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, √3/2 इस जगह आ जाएगा, ये आपका इस जगह आ जाएगा, 1/2 आपका इस जगह हो जाएगा, और 0 आपका यहाँ आएगा। दो लाइन हो जाती यार, बहुत अच्छा है ना। हमने क्या कहा कि पहले आप साइन को याद कर लो, दैट इज 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर कॉस के लिए क्या करना था हमको, इसी को रिवर्स कर दिया हमने, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, और फिर आपका ये 0 हो गया। इसे करने के बाद आपका टेन थीटा, टेन थीटा किसके बराबर होता है आपका, इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा से डिवाइड करना है। तो यहां मैं इसको डिवाइड करके दिखा देता हूं। 0/1 क्या होता है आपका, 0, 1/2 को डिवाइड करना है √3/2 से, ठीक।
तो डिवाइड करते समय क्या होता है, पीछे वाली जो डिजिट है ये आपका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, देन योर फाइनल आंसर इज 1/√3। हमने करके भी दिखा दिया। अब 1/√2 को डिवाइड कर दो 1/√2 से, तो फाइनल आंसर इज 1/√3/2 को डिवाइड कर देंगे 1/2 से। तो जब डिवाइड करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू जो होती है उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 3/√3। एंड देन हियर वी हैव 1/0। अब हमको पता है कि कभी भी किसी भी रेशनल नंबर में q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। जब q की वैल्यू 0 नहीं होगी तो इसे हम लोग कहते हैं नॉट डिफाइंड, दैट इज द सिंबल ऑफ नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब कोसेक, सेक और कोट की तो बिल्कुल सबको पता है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कोट टेन का रेसिप्रोकल होता है। कोसेक के लिए क्या करना है आपको, साइन का रेसिप्रोकल कर देना है। जीरो, जीरो का रेसिप्रोकल होता है 1/0, दैट इज इंफिनिटी। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल 2, 3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1, एब्सोल्युटली करेक्ट। देन sec, sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cosec, सॉरी sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, यानी 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का हो जाएगा 2, 1/2 के लिए हो जाएगा 2, और 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0, दैट इज इंफिनिटी। आफ्टर इट cot थीटा, cot थीटा के लिए आपको 10 का रेसिप्रोकल करना है, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। 1/√3 के लिए हो जाएगा आपका 3, 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1, 3 का हो जाएगा 1/√3, और 1/0 का हो जाएगा 0/1, दैट इज 0। इस तरह से ये आपके बहुत ही इजी स्टेप से मैंने आपको अभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाना सिखाया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। इस तरह से आपको कॉलम्स बनाने हैं, कॉलम बनाने के लिए, कॉलम बनाने के बाद आपको साइन की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, जो कि आपका 0, 1/2, 1/√2, 3/2 और 1 है। देन कॉस के लिए कुछ भी नहीं करना होता, केवल साइन का रिवर्स कर देते हैं। टेन के लिए साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करते चलो। एंड देन कोसेक के लिए साइन का रेसिप्रोकल, सेक के लिए कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉट के लिए टेन का रेसिप्रोकल। इस तरह से आप इस टेबल को बना सकते हैं। आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको इन वैल्यूज को ड्राइव करना भी सिखा दूंगा कि आखिर ये वैल्यू कैसे आई, किस तरह से जो पहली लाइन ही थी वो ऐसी क्यों हुई, इसको हम आगे आने वाले वीडियोज में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक आप इस टेबल की प्रैक्टिस कीजिए या इस टेबल को याद कीजिए। इट इज मच इजियर, आई एक्सप्लेन यू, आई रिपीट यू दैट इट इज मच इजियर टू मेक द टेबल। ठीक है, आप इसी तरह से वीडियोस को देखते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू।